पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट करके बताया कि अगला मिशन समुद्रयान है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT में इसे बनाया गया है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा ताकि वहां के स्रोतों और जैव विविधता की स्टडी की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से समुद्री इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इससे समुद्र के अंदर की जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि इससे समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल होगा। मजेदार बात ये है कि एक तरफ इसरो चंद्रयान 3 गगनयान और सूर्य मिशन जैसे अंतरिक्ष मिशन कर रहा है, वहीं देश में अब समुद्र की गहराई नापने की तैयारी चल रही है। NIOT मत्स्य 6000 से पहले एक पर्सनल स्फीयर यान बनाया था जो 500 मीटर की गहराई तक समुद्र में जा सकता था। पर्सनल स्फीयर में एक इंसान के बैठने की क्षमता थी। ये 2.1 मीटर व्यास की गोलाकार पनडुब्बी थी जिसे माइल्ड स्टील से बनाया गया था। इसकी टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज के जरिए की गई थी। जब ये मिशन सफल हुआ था तब समुद्रयान प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। समुद्रयान प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है। ये एक सबमर्सिबल है जिसका नाम मत्स्य 6000 है। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। ये 12 घंटे के लिए 3 इंसानों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में ले जा सकेगा। इसमें 46 घंटे की इमरजेंसी एंड्योरेंस है। इसके सभी हिस्से फिलहाल बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस मिशन की लॉन्चिंग 2026 में होगी। सफल लॉन्चिंग के बाद भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशेष तकनीक और वाहन उपलब्ध है। समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। ये समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटिक मैग्नीज्म नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल और सल्फाइड और कोलाब क्रस्ट जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें 1000 से लेकर 5500 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसका मकसद समुद्री संसाधनों का पता लगाया जाना है। समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए गहरे समुद्र में तकनीक भेजना भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी में मदद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।